नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 8 नहीं अब 9 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। शाम 6 बजे हो सकता है समारोह। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई आने वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। गठबंधन के सभी दलों की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनने के फैसले पर मोहर लग चुकी है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनका शपथ समारोह कार्यक्रम 1 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह अब 9 जून को शाम 6 बजे होगा। पहले यह समारोह 8 तारीख को होना था, लेकिन अब इसे 1 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बारे में अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय ने जानकारी दी है कि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी फोन पर बातचीत की है और उन्हें निमंत्रण दिया। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना ने भी निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। जेडीयू टीडीपी की अहमियत बड़ी। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को अकेले 240 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एनडीए गठबंधन में नीतीश की जेडीयू को के पास 12, चंद्रबाबू नायडू को की टीडीपी के पास 16, शिवसेना के पास 7 और चिराग की लोजपा के पास 5 सांसद हैं। पवन कल्याण की जनसेना के पास 2, जयंत चौधरी की आरएलडी के पास 2, अपना दल के पास 1 और एनसीपी के पास भी 1 सांसद है। इन सभी के अलावा भी कई दल एनडीए को अपना समर्थन दे रहे हैं। हालांकि बहुमत का आंकड़ा 272 पार करने के लिए जेडीयू और टीडीपी के सांसद बेहद अहम हैं। यही वजह है कि एनडीए की बैठक के बाद दोनों नेता पीएम मोदी के पास बैठे देखे गए थे। जेपी नड्डा के आवास पर चर्चा। मोदी कैबिनेट की योजना बनाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर गुरुवार की सुबह बैठक हुई। इस बड़ी बैठक में जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। ये नेता मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए मंत्रिमंडल की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।